कोरोना संक्रमण ने विश्व भर के देशों को जकड़ रखा है, जिससे इस वैश्विक महामारी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख की रात से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों और प्रयासों के बावजूद विकसित और विकासशील देशों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के प्रभावी मुकाबले के लिए सभी को एक साथ होना पड़ेगा और एकमात्र इसका उपाय सामाजिक दूरी है। परमार ने कहा कि इससे बचने की प्राथमिकता सरकार की है, लेकिन इस प्राथमिकता को स्वयं भी लोगों को अपनाना पड़ेगा और अपने दिनचर्या में दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। प्रिय प्रदेशवासियों, कोरोना का वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया है और भारत में कोविड-19 को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च रात से अगले 21 दिनों के लिए पूरे देश में पूर्णतया लॉकडाउन का ऐलान किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी कोविड-19 को संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू की घोषणा की है। हम सभी देख रहे हैं कि कैसे दुनिया के सबसे समर्थ देशों को भी महामारी ने बिल्कुल बेबस कर लिया है और जकड़ सा लिया है। कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, सभी तैयारियों और प्रयासों के बावजूद विकसित देशों को भी संकट का सामना निरंतर करना पड़ रहा है, जिसको हम टीवी चैनल, सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र उपाय है सामाजिक दूरी। लॉकडाउन और कर्फ्यू से एक आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आम जनमानस के जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता है और ये प्राथमिकता सरकारों की है, परंतु इस प्राथमिकता को स्वयं का स्वभाव बना करके हमें अपने दिनचर्या में ढालना होगा। आपको याद रखना होगा, जान है तो जहान है, ये समय धैर्य, संयम और अनुशासन का है। इसलिए आपसे मैं करवत निवेदन करना चाहता हूं कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का हम अनुपालना करें, ये मेरी सभी से गुजारिश है। राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है नागरिकों को उनके रोजाना जीवन में ज़्यादा असुविधा ना हो, सभी जरूरी सामानों की लगातार आपूर्ति का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार के अलावा सिविल सोसाइटियों के लोग और संस्थाएं भी गरीबों की समस्याओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 21 दिनों का समय लंबा है, लेकिन सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। हमें भरोसा है प्रत्येक नागरिक ना केवल इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ेगा, बल्कि विजय भी उसकी होगी। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस वायरस का, इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसका इलाज सिर्फ और मात्र इलाज यही है कि हमें अपने घर में रहना होगा और घर में रह करके अपना समय व्यतीत करना होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये महामारी, ये संकट सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के तमाम देशों में है और इसका हल भारत सरकार ने, जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के रूप में, जनता कर्फ्यू के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में एक आह्वान किया है, एक बार निवेदन कि इस आह्वान को मन से स्वीकार करें। ये आह्वान हमारे सुरक्षित जीवन के लिए है, सुरक्षित जीवन के लिए है। इसलिए ये मेरा सभी से आग्रह और निवेदन है।